दुनिया के सात सबसे अजीब इत्तेफाक जो आपको भी हैरानी में डाल देंगे। नंबर वन, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक तूतन खामन, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही मिस्र का शासन संभाला था और साथ ही उनकी मृत्यु भी काफी यंगर एज में ही हो गई थी। तूतन खामन के बारे में इतिहास में काफी कम लिखा गया है और साथ ही अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। साल 1922 में तूतन खामन की कब्र को ब्रिटेन के एक खोजकर्ता हॉकवर्ट कार्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर खोज निकाला था, लेकिन जिन लोगों ने भी तूतन खामन की कब्र को पहली बार खोला था और उसके पास गए थे, उन सातों लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी और 4 से 5 साल के अंदर ही वो सारे लोग मारे गए। साथ ही इस पूरे रिसर्च को फंडिंग देने वाले लॉर्ड कार्नर वॉन की भी मृत्यु हो गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक मच्छर के काटने की वजह से लॉर्ड कार्नर वॉन मारे गए थे। तभी से तूतन खामन के कब्र को श्रापित माना जाने लगा। आज भी कई लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं और कुछ लोग इसे तूतन खामन का दिया हुआ श्राप। नंबर टू, एक ऐसा संयोग जिसे आपने भी सुना होगा लेकिन आपने शायद ही इस पर गौर किया होगा, जो है नंबर 7 का संयोग। हमारी दुनिया में कई चीजें नंबर 7 से कनेक्टेड हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 समुद्र भी। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, रेनबो में 7 रंग होते हैं, शादियों में 7 फेरे होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में 7 जन्मों का जिक्र किया गया है। साथ ही हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं और तो और अलग अलग फील्ड में, लेकिन टॉप 1% में आने वाले प्लेयर्स सर MS धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों के ही जर्सी का नंबर 7 है। नंबर 3, 28 जुलाई 1900 में इटली के एक राजा अम्बर्टो फर्स्ट एक होटल में अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं, जहां उनका सामना होटल के ऑनर से होता है, जो कि हूबहू अम्बर्टो जैसा ही दिख रहा था, बस उनके पहनावे अलग अलग थे। जिज्ञासा में आकर जब राजा अम्बर्टो ने उससे बात की तो वो और उनके फैमिली मेंबर्स हैरान रह गए, क्योंकि उनके लाइफ में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी जिसपे यकीन करना सच में मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम भी अम्बर्टो था। उन दोनों की बर्थ डेट भी सेम थी, यहाँ तक कि उन दोनों की वाइफ का सेम नाम मार्गरीटा था और तो और उनकी शादी भी एक ही दिन हुई थी। राजा अम्बर्टो की जिस दिन ताजपोशी की गई थी, ठीक उसी दिन उनके जैसे दिखने वाले आदमी ने भी अपने होटल की ओपनिंग करी थी। इसमें सबसे हैरानी की बात ये हुई कि उनके मरने का दिन भी सेम बन गया, जो कि 29 जुलाई 1900 था, यानी उनके मिलने के ठीक अगले दिन ही। नंबर 4, विलियम शेक्सपियर, जो कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक फेमस थिएटर एक्टर और पोएट थे, जिन्होंने एने हैथवे नाम की एक लेडी से शादी की थी, और ये हैं आज की समय की एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम भी एने हैथवे है, और इनके हस्बैंड हैं एडम, जिनकी शक्ल हूबहू विलियम शेक्सपियर से मिलती है। तो क्या सच में विलियम शेक्सपियर ने दोबारा जन्म लेके फिर से एने हैथवे को अपनी पत्नी बना लिया था, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? विलियम शेक्सपियर ने अपनी पत्नी एने हैथवे के लिए एक लाइन लिखा था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लव यू अलोन इन वन, आई प्रॉमिस टू लुक फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ, मतलब कि जिंदगी बहुत छोटी है तुमसे प्यार करने के लिए, मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए, यह है 5000 ईसा पूर्व की साइबेरियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई उनके एक देवता की छवि, जिसे पत्थर पर उकेरा गया है, जिसे वहाँ के लोग 7 सिरों वाला नाग देवता कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब आते हैं साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूर मैक्सिको में, जहाँ प्राचीन काल से ही मैक्सिको के लोग चिको में कॉटल देवता की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ होता है 7 सर्प, जो कि काफी साइबेरियन नक्काशी से मिलती है। अब आते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर इंडिया में, जहां हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हजारों सालों से सांपों की पूजा की जाती है और कई जगह 7 सिरों वाले नाग देवता की छवि बनाई गई है। ये सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी इनके सिंबल्स मैच होना मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और? नंबर 6, साल 2014 में एक कपल एमी मैडन एंड निक व्हीलर शादी के लिए रेडी थे और अपनी फैमिली मीटिंग के दौरान जब निक अपनी कुछ पुरानी फोटो एल्बम्स एमी को दिखा रहा था, तो एमी और उसकी फैमिली एक फोटो को देखकर पूरी तरह हैरान हो गए। असल में इस फोटो में निक बीच पर बैठा है और उसके ठीक पीछे एमी भी है, जो कि अपनी फैमिली के साथ उसी दिन उसी बीच पर गई थी और उसी फोटो फ्रेम में क्लिक हो गई थी। अजीब बात थी कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के आसपास थे, लेकिन इस फोटो के क्लिक होने के 11 साल बाद इनकी मुलाकात हुई। इस इत्तेफाक को निक और एमी एक परफेक्ट रिलेशन का सिंबल मानते हैं।
नंबर 7। ये कहानी है जापान के सुटोमू यामागाची की, जो कि 6 अगस्त 1945 को अपने ऑफिस के काम की वजह से हिरोशिमा गए थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। उस अटैक की चपेट में सुटोमू भी आ गए थे, लेकिन वो इस हमले में बच गए। बस उनका हाथ जल गया था। और 9 अगस्त 1945 को जब वो अपने शहर वापस लौटे और अपनी फैमिली से मिलने के बाद जब वो ऑफिस गए, तो वहाँ दूसरा न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, क्योंकि उनका शहर कोई और नहीं बल्कि नागासाकी था, जहाँ दूसरा न्यूक्लियर अटैक हुआ था। लेकिन चमत्कारिक रूप से वो इस अटैक में भी सरवाइव कर गए। बस इस बार उन्हें थोड़ी ज्यादा चोट लगी थी। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने लाइफ में दो दो न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ेगा, और यही उनका दुर्भाग्य था। लेकिन उनका भाग्य भी यही था कि वो इन दोनों हमलों में बच गए। वैसे आपकी उनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।